हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, और वीडियो को आखिर तक देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। तो इसमें यह पूछा गया कि हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी संगनता निम्न किस नदी पर पाई गई है। पहले तो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। दयाराम सहानी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है। रावी नदी के किनारे। भारत में जो सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर हड़प्पा। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संगनता किस नदी पर पाई गई है। तो राइट आंसर क्या होगा, सिंधु नदी। आरंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक था। तो बात करते हैं जीवक की, तो ये क्या था। तो ये हमें देखने को मिला था चिकित्सक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 123। तो इसमें यह पूछा गया कि गुप्त काल में निम्न में से किसने रेशम व्यापार का एकाधिकार कायम किया। तो बात करते हैं रेशम व्यापार की, तो किसने किया था। तो यह किया था फारसियों ने, ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की कपटपूर्वक हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या की थी, तो उसके चाचा का नाम क्या था। जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125। तो इसमें यह पूछा गया कि अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में बंटा था। 14, 15, 26, 28। तो यह बंटा था 15 सूबों में, ऑप्शन बी। प्लासी के युद्ध के कितने वर्षों के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं प्लासी के युद्ध की, तो कब हुआ था। 1757 ईस्वी में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि प्लासी का युद्ध, सॉरी बक्सर का युद्ध, तो ये हुआ था 7 साल बाद 1764 में। तो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। हैकट मुनरो। केशव चंद्र सेन ब्रह्मा समाज से कब जुड़े थे। तो केशव चंद्र सेन तो कब जुड़े थे, तो ये हमें देखने को मिले थे 1858 में, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रिटिश माल सामान का आविष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अंगीकार किया गया। तो किस वर्ष अंगीकार किया गया था। 1905 में। रिफ्ट घाटी और ग्रेवन किसका परिणाम है। तो रिफ्ट वैली एंड ग्रेवन आर द रिजल्ट ऑफ। तो ये परिणाम है फ्लोटिंग एक्टिविटी का, ऑप्शन सी। वह परत जिसमें सभी जीवन वातावरणीय प्रक्रियाएं, सॉरी वातावरणीय प्रक्रियाएं जो कि विभिन्न जलवायु हो गया मौसम की परिस्थितियों को जन्म देने में अग्रणी है। तो जलवायु और मौसमी, तो ये हमें किस लेयर में देखने को मिलती है। कुशोमंडल में। डोगर तट एंड ग्रेट तट किस महाद्वीपीय कगार पर स्थित है। तो बात करते हैं डोगर तट की एंड ग्रेट तट की, तो ये हमें देखने को मिलते हैं अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन ए।
सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। और दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि सबसे छोटा महासागर कौन है। वायुमंडल में किस गैस का बढ़ता हुआ साधारण हरितगृह प्रभाव को तीव्र बना रहा है? तो किस गैस के कारण? तो राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। द यूकट बिलोंग टू, तो बात करते हैं यूकट की, तो इसका संबंध किससे है? नॉर्थ साइबेरिया से, ऑप्शन सी। द मॉनेटरी यूनिट ऑफ मलेशिया इज, तो बात करते हैं मलेशिया की मौद्रिक इकाई, तो क्या है? तो ये हमें देखने को मिलती है रिंगिट, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, भूटान की कामकाजी भाषा कौन सी है? दोंखा, ऑप्शन सी। भारतीय प्रदीप में सर्वोच्च शिखर हाईएस्ट पीक, तो कौन होगी? तो ये हमें देखने को मिलती है अनाई मुड़ी, ऑप्शन सी। रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो बात कर लेते हैं रामगंगा की, तो कहाँ से ये निकलती है? कुमाऊं हिमालय से। खंभात की खाड़ी संबंधित है, तो खंभात की खाड़ी की बात करते हैं तो किसके साथ एसोसिएटेड है ये? ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो भारतीय अनुसंधान, तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? देहरादून में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 140, तो इसमें यह पूछा गया कि वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उत्पन्न करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? बुनियादी उद्योग। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां पर चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो कौन से आर्टिकल के थ्रू? 61। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट के कोई भी सदन में, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन लोकसभा के स्पीकर का चयन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर को चुनना हो तो राइट आंसर होगा द हाउस ऑफ पीपल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 143, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति उसके अंतर्गत होती है? तो जो केंद्र हो गया और राज्य के बीच जो होते हैं विवाद, तो मूल क्षेत्र अधिकार, ऑप्शन सी। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल विशेष शक्तियों से भीत हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर होगा असम, ऑप्शन बी। भारत की आकस्मिकता निधि का सृजन हुआ था, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, तो किसके थ्रू हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दारिस्पत्ति नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी,
करंट अकाउंट डिपॉजिट। द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज, एक औपचारिक संगठन का मूल लक्षण क्या है? तो ये होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन से स्थान पर एशिया का प्रथम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित हुआ था? तो एशिया का प्रथम, तो ये हुआ था कांडला में, ऑप्शन सी। निम्न में से किसकी अनुशंसा पर नवाड़ की स्थापना हुई थी? तो पहले तो हम जान लेते हैं फॉरम, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी जो स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी जो, इसका जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? शिवरामन समिति, ऑप्शन बी। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में आर्थिक नियोजन है, इकोनॉमिक प्लानिंग? तो ये हमें देखने को मिलता है कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पर। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के दिए गए द्रव्यमान पर क्या अधिकतम होता है? तो क्या होता है अधिकतम घनत्व? ऑप्शन डी। कौन से दर्पण में विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है? तो राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। इंडियन इंक कंटेन्स वाटर, ग्लू एंड, तो भारतीय स्याही में क्या समाविष्ट है? जल हो गया, गोंद और काजल, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पर। तो निम्न में से कौन से जीव में यानी जहर होता है, जरायुज? विशु हो गया, टिड्डा हो गया, तिलचट्टा, मच्छर। तो ये हमें देखने को मिलता है विशु में, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।